काम कर रहे हो और तब तक मैं भी अपने अंतिम पृष्ठ लिख लूंगा। जी, और याद रखना, अगर तुमने अपना वचन भंग किया तो ऐसा नहीं होगा। कौन है? मैं हूं चतुर्भुज। घोड़ा गाड़ी आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हमारा बक्सा भी तैयार है, दरवाजा ठीक से बंद कर दो। सुनो, रास्ते में बहुत ही गरीब, भले मानस बंद कर रहना, चुपचाप एक कोने में पड़े रहना, बक्सा थोड़ी दूर रखना, परंतु हर समय उस पर निगाह रखना। किसी को शक ना होने पाए कि तुम्हारी निगाह इस बक्से पर है। नासिक में से बाबा राव को देना, केवल उन्हें और किसी को नहीं, समझे? अगर तुम इस काम को करने में सफल हो गए तो समझो तुमने भारत माता को स्वतंत्र कराने की जो शपथ ली है उसे पूरा कर लिया। मैं प्राण देकर भी इस काम को पूरा करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है। उठा लो से। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लीजिए जी। हाँ? पुस्तक की पांडुलिपि मुझे दे दीजिए, जल्दी करिए, और जितने पन्ने छपे हैं उन्हें जला दीजिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी समय पहुंच जाएगी। लीजिए, आप इस पिछले रास्ते से बाहर निकल जाइए। हाँ। चलिए। सुनो, ये छपे हुए पन्ने मुझे दे दो जी। और ये सारा टाइप डिसमेंटल कर दो, जल्दी करो। बाबा राव, हाँ, आप निकलिए, जल्दी निकल जाइए। लिमे जी, देखिएगा कोई चीज उनके हाथ ना लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा सावरकर कहाँ है? सावरकर? कौन सावरकर? तुम विनायक सावरकर की कोई पुस्तक छाप रहे हो? नहीं तो, मैं तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं छाप रहा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ, लीजिए, आइए। चलो आइए इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए। तुम देखो इधर, क्या छाप रहे हो? दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया हो। 1857 का संपूर्ण सत्य था उसमें, अंग्रेज कैसे साइन करते? हरनाम, तुम बहुत चुपचाप हो, क्या बात है? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? सावरकर है कहां? कोई एक घंटा पहले उसे अपनी भाभी की चिट्ठी मिली तो एकदम चुप हो गया, मेरे बहुत कहने पर मुझे बताया और फिर बाहर चला गया। सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह भी लिखा है चिट्ठी में कि बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। किस अपराध में पकड़ा उन्हें?
उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई। ये क्या अपराध हुआ? देश प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है। आई विल टीच देम अ लेसन। सावरकर, सावरकर, मुझे कर्जन वाली से पता चला है कि बाबा राव सावरकर पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर की तलाशी में बम मैनुअल मिले हैं, पिस्टल होने का भी उन्हें शक है। उनका विश्वास है कि बाबा राव को कष्ट देके उन्हें सब बातों का पता चल सकता है। वो मर जाएंगे मगर कुछ बताएंगे नहीं। देश हित के लिए जिन वंशों का नाश हो जाता है वे अमर हो जाते हैं। सावरकर, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। कर्जन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्ते का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण हमारे कितने देशभक्तों के प्राण चले गए, कितने परिवारों का नाश हो गया। तू अत्याचारी है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। हमारा उद्देश्य भी तो यही था। ढींगरा ने देश हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। कर्जन वाइली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और खापर्डे, वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक यहां है